भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के अलीगंज गंगटी के पास बीजू भट्टा बगीचे में अपराधियों ने फ्लिपकार्ट कोरियर कंपनी में काम करने वाले अजीत कुमार यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। वहीं उसके साथ मौजूद एक बच्चे को बगीचे में ही छोड़ दिया, जिसे ग्रामीणों ने देखा तब इसकी सूचना पुलिस को दी। मामला घर से अभी निकला हुआ है, घर से कोरियर का सामान बेचता है, फ्लिपकार्ट में काम करता है, सामान रखा बच्चे को, हो सकता है घुमाने लाया हो या उनको कॉल किया हो। वो बगीचा तरफ आया, बगीचा तरफ क्या मतलब, कहाँ आया, घर से निकला, बाइक लेके निकला हुआ, बाइक भी नहीं घर में, बाइक भी नहीं, बच्चे को बगीचा में फेंका हुआ था, इसका मर्डर हुआ है। बच्चा यही था बगीचा, बच्चा रो रहा था, फेंका हुआ था, जो इनको देखा हुआ है उसको भी पकड़ के ले गया है। उसका क्या नाम था जिसको ले गया? दयानंद मंडल। इनका क्या नाम था? इनका अजीत कुमार यादव। क्या करते थे? फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन पार्सल, जो कोरियर काम। पिता का नाम? स्वर्गीय रंजीत यादव, अलीगंज गंगटी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक सुबह अपने बच्चे को लेकर मोटरसाइकिल से निकला हुआ था, इसी क्रम में उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि हत्याकांड के चश्मदीद दयानंद मंडल को भी अपराधियों ने अगवा कर लिया है। परिजनों का कहना है कि मृतक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं घटना के बाद काफी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों में हत्याकांड को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। ग्रामीण अगवा व्यक्ति की जल्द रिहाई की मांग पुलिस से कर रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद CTSP शुभम आर्य मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद पुलिस पूरे लगभग 7-8 बजे एक पीड़ित है, उसमें इनका नाम अजीत यादव बताया जा रहा है। ये अपने घर से निकले थे, अपने बच्चे को लेके साथ में निकले थे, पेशे से ये डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। ये जब निकले थे तो अपने बच्चे के साथ घुमाने उन्हें उसे लेके निकले थे। अब इसके बाद में ये एक आम के बगीचा में इनकी बॉडी पाई गई है, इसमें काफ़ी धारदार हथियार के ऐसे मतलब उनके आघात किए गए हैं, उसके लक्षण मिले हैं। अभी जो भी अभियुक्त है उनकी शिनाख्त जारी है। दुश्मनी का कुछ बात भी आ रहा है सर? कुछ अभी उस पर हम सब चीजों पे जांच कर रहे हैं, जैसे कुछ आएगा तो बताएंगे। हम जांच कर रहे हैं, जो दयानंद है वो यहाँ पे आसपास में काम करते थे, फूल तोड़ने का काम।